पड़ो वहाँ से। आने से पहले हम फिर पता किया, हमें तो नहीं है तो पता करना चाहिए था। पूरा पूरा सिलार और पूरा खड़ौनी पूरा खड़ौनी को लेकर के आ रहे हैं आप। बोले जिसका खाता नहीं खुला उसको लेकर के आइए। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि जो गलती की है वो मेंबर है गायब है। तो फिर बोलिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यह वीडियो इटखोरी बैंक ऑफ इंडिया का है। डिजिटल इंडिया का मुंह चिढ़ा रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया इटखोरी ब्रांच। बैंक ऑफ इंडिया पर लगा आरोप, धर्म देखकर खोलते हैं खाता। सरकार के आदेश का नहीं कर रहे हैं पालन, स्कूली बच्चे के खाता खुलाने को लेकर परिजन काट रहे हैं चक्कर। बताते चले कि चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्कूली बच्चे का खाता खुलवाने को लेकर मुस्लिम महिलाएं लगातार बैंक का चक्कर काट रही हैं, पर बच्चों का खाता नहीं खुल रहा है और परिजनों को बार बार बैंक का चक्कर लगाना पड़ रहा। बैंक मैनेजर से पूछने पर उनका सीधा जवाब मिलता है कि मुस्लिम लोगों का खाता नहीं खुलेगा, बच्चों का पिता या उसके दादा जब बैंक में आएंगे तभी आप लोगों का खाता खुल सकता है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान एक महिला रुवेदा खातून ने बताया कि मुस्लिम समाज के लिए लागू किया गया है, ऐसा बैंक मैनेजर ने बताया। मामला तब संज्ञान में आया जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सिलार की रहने वाली मुस्लिम महिला जुबेदा खातून ने मामले को उपायुक्त के समझ रखा। मामले में उपायुक्त ने बैंक मैनेजर को फटकार लगाई और इस संबंध में जारी ऑर्डर की कॉपी मांगी, जिसे बैंक मैनेजर देने में नाकाम रहे। मंगलवार को चार दिन के बाद बैंक मैनेजर ने रुबेदा खातून के मुखिया के द्वारा बुलाया, फिर बोले आप आइए आपका खाता खुल जाएगा। पर महिलाओं का यह आरोप है कि जब तक बैंक मैनेजर माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम रुबेदा खातून है। हम लोग को बुलाया गया था यहाँ पे इटखोरी ब्रांच स्टेट बैंक बैंक ऑफ इंडिया बुलाया गया था। तो यहाँ पे जब आए तो हेमंत सर को मतलब बाहर निकाला नहीं जा रहा, जबकि हेमंत सर गलती किए हैं। हेमंत सर को बुलाया नहीं जा रहा, ना ही उनको बाहर निकाला जा रहा है। उनके बदले में कोई और हमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। गलती यही किए हैं कि हमारे साथ बदतमीजी किए हैं, हमारे साथ और हमारा बच्चों का खाता खोलने के लिए रेडी नहीं थे, जिसमें कि बोल रहे थे कि अपना फादर को लाइए, या तो मतलब बच्चे का फादर का या तो बच्चे का दादा का, जब वो खाता खुलेगा तो उसमें अगर हम नहीं ला के दिए तो खाता खोलने के लिए रेडी नहीं हुए। और वो बदतमीजी करने वाले हैं हेमंत सर, तो वही आएंगे जब ही ये गलती का परिचय होगा, वरना नहीं होगा। और जब इनसे हम अपना बात रखे हैं तो कोई और जो बोलते हैं, जो मैनेजर है बैंक मैनेजर है, वो हमसे बोलते हैं कि हम गलती मानने के लिए तैयार हैं। तो अपना बात यही रखना चाहते हैं कि जो गुनाह नहीं करता है उससे हम अपना गलती का एक्सेप्ट क्यों करवाएं। जो कत्ल करता है तो उसको फांसी का सज़ा मिलता है, जो नहीं करता अगर उसको फांसी का सज़ा सुना जाएगा तो क्या उसको वो रेडी रहेगा अपना गुनाह लेने के लिए? वही हम जानना चाहते हैं। अगर एक एक आम इंसान से जो जो हेमंत सर है उनसे अगर हम मेरा गलती का एक्सेप्ट नहीं करवाएंगे तो हम अपना गलती का मतलब कि परिचय कैसे करवाएँ, उसे बता दीजिए। वही हम अपना बात को इन सबके सामने में रखना चाहते हैं। जो मेरा बात पूरा नहीं हुआ है इसलिए हम अपना यहाँ से घर जा रहे हैं। जब पैसा जमा करने आते हैं तो बोलते हैं, बैंक वाले बोलते हैं कि पहले चेहरा दिखाइए। ऐसा कहाँ का सिस्टम है? जब पैसा निकासी होता है तब चेहरा दिखाया जाता है कि पैसा जमा होता है तब? उस दिन से हम ये बैंक में हम नहीं जमा करते हैं, और जब भी जमा करते हैं तो हम छोटा बैंक से जमा करते हैं। ऐसा सिस्टम कहाँ का है? तो उसका पूरा हमको चाहिए।